वो कांग्रेस जो अपनी साख बचाना चाहती है, वो कांग्रेस जो अपने डूबते नैया को पार लगाना चाहती है। इस वक्त कांग्रेस अपने झगड़े में उलझी है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में महासचिव बन सकते हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अहम बैठक की है, तमाम नेताओं से राय मशवरा किया है और हो सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में महासचिव बन जाए, जिसके अटकलें इस वक्त तेज हो गई है। ममता बनर्जी के राजनीतिक गुरु, कई राजनेताओं को राजनीति के गुण सिखाने वाले प्रशांत किशोर अब राजनीति में कांग्रेस के साथ नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल में जीत दिलाने के पीछे प्रशांत किशोर थे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कई राजनेताओं को राजनीति सिखाई है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर को बेहद जल्द पार्टी में शामिल कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर 2024 में बीजेपी के सामने चुनौती बनेंगे? क्या पीएम मोदी के चेहरे को प्रशांत किशोर टक्कर देंगे? क्योंकि इस वक्त तैयारी कांग्रेस में प्रशांत किशोर की ताजपोशी की है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी अपनी नई राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ शुरू कर सकते हैं। वो प्रशांत किशोर जिन्हें राजनीतिककार कहा जाता है, ममता बनर्जी जिसे गुरु मानती है, वही प्रशांत किशोर अब हाथ का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के सामने कितनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तैयारी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दी है। देखते रहे सन स्टार्ट।